हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बताऊंगी सादा ब्लाउज की नाप से कटिंग करना। तो ये हमारा कॉटन पीस है, इसी पर हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे और उसको दो फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम नाप वाली ब्लाउज लेंगे और उसके सीने का नाप लेंगे। तो हम ब्लाउज को अच्छे से रख लेंगे और उसके सीने का नाप लेंगे। तो सीने का नाप इस प्रकार लिया जाता है और इसका सीना है 16 इंच, मतलब कि ये टोटल 32 चेस्ट की ब्लाउज है, 16 आगे का 16 पीछे का। तो यहाँ हम 16 का आधा लेंगे 8, तो 8 में हम निशान लगा देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। देखिए 8 है, ये हमारा इस पर मेन सिलाई लगेगा। उसके बाद हम फिर से नाप वाली ब्लाउज ले लेंगे और पीछे से हम ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे। पीछे से ही हमेशा ब्लाउज की लंबाई का नाप लिया जाता है। तो इसका हम लंबाई लेंगे 14 इंच। ये देखिए 14 इंच, नीचे से भी फोल्ड में जाएगा थोड़ा कपड़ा और ऊपर भी, इसलिए हम 14 लेंगे। फिर से हम नाप वाली ब्लाउज लेंगे और उसके कंधे का नाप लेंगे। तो इसका कंधा 11 इंच, तो हम यहाँ 11 का भी आधा लेंगे, तो 11 का आधा होता है 5.5। तो हम 5.5 इंच का कंधा लेंगे, तो 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और जो हमारा आर्म होल होगा वो 6 इंच का होगा, तो हम 6 इंच पे भी एक निशान बना लेंगे। उसके बाद हम चौकुटा निशान बना देंगे। अब हम गले की गहराई के लिए 2.5 इंच लेंगे। और ऊपर से भी कंधे के निशान को अच्छे से मिला देंगे। अब उसके बाद हम फिर से ब्लाउज लेंगे और उसके पीछे से गले का नाप लेंगे। तो इसका गला है 9 इंच, तो हमेशा गले में 1/2 इंच जोड़ा जाता है, नहीं तो हमारा गला बड़ा हो जाता है। तो 9.5 इंच लेंगे हम, 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ भी चौकुटा निशान बना देंगे। ये हमारा चौकुटा निशान बन गया है। अब यहाँ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल में और वहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा गोलाई का निशान लग गया है। उसके बाद हम गले में भी 1 इंच लेंगे और वहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो ये हमारा कॉटन पीस है, इसलिए मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ नीचे से फोल्ड करने के लिए। अगर ऐसी आपको और वीडियो देखनी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। और इसकी कटिंग हो गई है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। उसके बाद हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पीछे वाले पार्ट के ही मदद से आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट को अच्छे से रख लेंगे और हमेशा चाहे किसी भी साइज़ की ब्लाउज हो उससे 2 इंच ज़्यादा लिया जाता है आगे वाले पार्ट में। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट में। और ये 2 इंच पे निशान बना लेंगे। ये हमारा निशान बन गया है। उसके बाद हम पीछे वाले की मदद से हम आर्म होल बना लेंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया है। हम आर्म होल आगे का 1/2 इंच ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्लेट जाता है तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो हम 1/2 इंच पे 1/2 इंच ज़्यादा आर्म होल बढ़ा देंगे। उसके बाद हम आगे का गला लेंगे, तो आगे का गला हमारा 6 इंच का होगा। ज़्यादातर लोगों का आगे का गला 6 इंच का रहता है। और यहाँ 1 इंच पे यहाँ भी निशान लगा के गोलाई का शेप दे दें। और ये हमारा गोलाई का शेप हो बन गया है। उसके बाद हम फिर से नाप वाली ब्लाउज लेंगे और इसके बेल्ट का मेजरमेंट करेंगे कि इसका बेल्ट कितने पर है। तो हम बेल्ट में भी हमेशा 2 इंच ज़्यादा लेते हैं, चाहे जितना हो उससे 2 इंच ज़्यादा लें, हमारी कभी ब्लाउज ख़राब नहीं होगी। तो हमारी 10 इंच पे थी, हम 12 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लेट में भी जाता है और सिलाई में भी जाता है, तो 2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लिया जाता है। और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के और तिरछा बना देंगे। ये हमारा बेल्ट का निशान बन गया है। और यहाँ मैं बेल्ट में 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ,
क्योंकि हमको ये कॉटन पीस है तो इसको हमको नीचे से फोल्ड करना है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ा ले रही हूँ बेल्ट में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और हमारी कटिंग हो गई है आगे वाले पार्ट की, और जो कपड़ा है जॉइंट उसको हम अलग कर लेंगे और बेल्ट का भी कपड़े को हम अलग कर लेंगे। ये हमारा अलग हो गया है और ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा बेल्ट है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक सीधा कपड़ा ले लेंगे और उसको जो एक्स्ट्रा उसमें है उसको हम काट देंगे। अब इसको हम चार फोल्ड करेंगे क्योंकि हमको दो बाजू की ज़रूरत होती है, तो इसको हम चार फोल्ड कर लेंगे और नाप वाली ब्लाउज से ही हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम नाप वाली ब्लाउज को बाजू को नापेंगे, तो इसका बाजू है 3 इंच। हम यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये कॉटन पीस है तो हमको आगे से फोल्ड भी करना है, इसलिए मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और नीचे से 3 इंच। अगर आपका अस्तर वाला कपड़ा है तो आप 1 इंच बाजू में ज़्यादा ले, उसमें फोल्ड नहीं करना होता है। अब ये हमारा बाजू तैयार है, अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए बाजू की भी कटिंग हो गई है और उसका जो कपड़ा है उसको भी हम अलग कर लेंगे। ये हमारा बाजू है। अब हम लगाएंगे टक्स के निशान। तो इसका जो हमारा टक्स होगा 9 इंच पे होगा, 9 इंच, और गले वाले साइड से 4 इंच। ये हमारा सेंटर होता है। अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे। तो नीचे वाली हमारी मेन प्लेट होती है, तो सबसे पहले तो हम 8 इंच पे फिटिंग वाला निशान लगा लेंगे और इस प्लेट को थोड़ा ध्यान से लगाया जाता है और जितना होता है उसका आधा ले, जैसे 8 है तो हम उसका आधा 4 लेंगे। तो यहाँ 4 ले रही हूँ और उसका लंबाई प्लेट का जो है वो हमारा 3 इंच रहेगा। और गले के साइड से हम लेंगे 3 इंच और इस प्लेट की जो लंबाई होगी वो 2.5 इंच होगी। नीचे वाला हमारा मेन प्लेट होता है उसको ध्यान से लगाया जाता है। अब उसके बाद हम फिटिंग वाले साइड से 2 इंच लेंगे और यहाँ भी हम एक प्लेट का निशान लगा देंगे। फिर ऊपर से हम आर्महोल से 6 इंच पर लेंगे और वहाँ से भी एक प्लेट का निशान डाल देंगे। और ये हमारे सारे प्लेट के निशान लग गया है। और जो नीचे वाली हमारी मेन प्लेट है वो हमारी 1 इंच की होती है, बाकी सब हाफ हाफ इंच की होती हैं। तो ये हमारी 1 इंच की होती है। अगर 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे तो हमारा पफ अच्छा बनता है। अब सेम हम दूसरे कपड़े पर भी रख के इस निशान को बना लेंगे। हाथ से थपथपा के हम निशान को बना लेंगे और ये हमारा निशान उस पर बन गया। उस निशान को हम थोड़ा गहरा कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट पे प्लेट के निशान लग गया है। देखिए अब हम पीछे वाले पार्ट में भी प्लेट के निशान लगाएंगे। इसमें भी दो प्लेटें लगती है, तो फिटिंग वाले साइड से 5 इंच लेंगे और इस प्लेट की जो लंबाई होगी 4 इंच होगी। तो 4 इंच लंबी ये हमारी प्लेट होगी। फिर दूसरी साइड से फिटिंग वाले साइड से 5 इंच लेंगे और लंबाई 4 इंच। ये हमारे दो प्लेट के निशान लग गया है। अब ये प्लेट भी हमारी 1-1 इंच गहरी होती है। आप 1/2 इंच भी गहरी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं 1-1 इंच ले रही हूँ। ये हमारे पीछे पार्ट में भी प्लेट का निशान लग गया है और हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये देखिए इस प्रकार से हम सिलेंगे सबको रख के। एक बार दिखा दे रही हूँ आपको।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।